अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम दिखाएंगे आपको कलर चेन हम कैसे चेंज करेंगे VST शक्ति 130 Di की। एक तो हम दिखाएंगे, पहले हम इसको कैसे निकालेंगे और दिखाएंगे हम कैसे लगाएंगे भी, दोनों दिखाएंगे आपको आज। पहले हम बेल्ट उतारेंगे, इसके दोनों बेल्ट हमें उतारने हैं। इसके बाद हमें क्लच पुली खोलनी है। पहले पहले इसके स्क्रू खोलते हैं, तीन स्क्रू होते हैं इसमें, पहले ये खोलेंगे हम। लॉक होता है, पहले ये निकालेंगे हम। पिन होती है इसकी, ये देखिए आप, ये निकाल दी मैंने। इसके बाद हम चक नट खोलेंगे इसका। अब हम निकालेंगे क्लच पुली को बाहर, जो ये क्लच है इसको हम ऊपर करेंगे टॉप पे। इसके बाद निकालेंगे, हाँ निकालेंगे क्लच पुली को। ये देखिए निकल गई क्लच पुली, इसको हम उठा के साइड में रखेंगे। आप बोल्ट खोलेंगे और इधर ये पिन होती है इसकी, ये भी निकालेंगे हम बाहर। इसको रखेंगे साइड में हम अभी, और निकालेंगे इसको बाहर, रखेंगे ये भी साइड में। अब हमें यहाँ पे ये कप खोलना है, 5 नंबर एलन की से खुलेगा ये। तीन बोल्ट होते हैं इसमें, एलन की बोल्ट तीन, तीनों मैंने खोल दिए। अब हम पीछे वाला कप खोलेंगे। पहले पीछे वाला, इसके चार स्क्रू होते हैं, ये खोलने हैं हमें। ये देखिए ये वाला कप, चारों स्क्रू मैंने खोल दिए इसके। अब हम निकालेंगे इसको बाहर। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको आराम से मारेंगे हम। ये देखिए ये निकल गया। अब निकालेंगे हम आगे वाला, ये देखिए ये भी निकल गया। अब हम ये नीचे वाला कप खोलेंगे, एलएसएड कप बोलते हैं इसको, एलएसएड कप निकालेंगे। ये देखिए निकाल दिया हमने ये कप। वाला कप खोलना पड़ेगा, पहले इसका ढक्कन निकालते हैं बाहर। यहाँ से गियर ऑयल भी डालते हैं, पहले ये खोलेंगे हम। 16 नंबर का रिंग लगता है इसमें, 16 नंबर के दो बोल्ट होते हैं ये, ये दोनों खोलने हैं हमको। अब देखिए आप चैन कैसे खोलनी है हमें। ये देखिए चैन का लॉक कहाँ पे है, ये देखिए चैन का लॉक, ये रहा चैन का लॉक, ये हमें इस जगह पे पहुँचाना है। ये देखिए इसको कहाँ पे पहुँचाएंगे। इस जगह पे पहुँचा दिया मैंने इसको। अब हम एलन की लाएंगे, ये देखिए अब हम निकालेंगे इसको बाहर एलन की मदद से। ये देखिए लॉक आ गया यहाँ पे बाहर। अब हम लॉक खोलेंगे पहले इसको, ये देखिए अब हम इसका लॉक निकालेंगे पहले। ये देखिए लॉक कैसे निकालना है, ये देखिए निकाल दिया मैंने लॉक इसका। ये होता है लॉक इसका, इसको निकालना है बाहर, रखेंगे साइड में और निकालेंगे इसको बाहर। अब देखिए आप निकालना कैसे है इसको, इसको हम यहाँ से खींचेंगे। ये देखिए चैन निकल चुकी है बाहर, ये देखिए ये कल चैन होती है इसकी। इसको निकाल के रखेंगे अभी हम इधर साइड में। ये देखिए आप कल चैन हमने निकाल दी बाहर पूरी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कल चैन कहाँ से डालनी है हमें। ये देखिए अंदर, ये देखिए ये होता है, यहाँ पे बोल्ट होता है एक, इसके अंदर से हमें डालनी है चैन जो है, ये इसके अंदर से डालनी है हमें, उस साइड से, इस साइड से नहीं, एक उस साइड से डालनी है और एक इस साइड से डालनी है। ये देखिए अब ये नज़र आ रहा है अच्छे से। अब हम डालेंगे इसको चैन और दिखाएंगे आपको। देखिए अब हम उठाएंगे कल शाफ्ट और कल चैन। सबसे पहले लगाएंगे हम कल शाफ्ट इसमें। अब देखिए चैन कैसे लगानी है हमें, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे लगाएंगे हम अब कल चैन, इसको अंदर से फंसाना है।
कल शाफ्ट स्प्रॉकेट में फंसाना है इसको। ये देखिए कहाँ से चढ़ाना है, ये देखिए ये चढ़ गई। अब हम नीचे जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके अंदर से डालेंगे अब हम ये देखिए डालनी कैसे है। अब हम उसके अंदर से डालेंगे ये, यहाँ पे हम कुछ इसके अंदर घुसाएंगे। ये देखिए रिंग मैंने घुसाया इसके अंदर, तो ये आ गई है चैन अपनी जगह पे। अब नीचे वाले स्प्रॉकेट को थोड़ा घुमाएंगे हम, ये देखिए ये चढ़ गई चैन इसके ऊपर भी। और अंदर से हम पहले एक बार चेक करेंगे ये अच्छे से अंदर अपनी साइड से गई है या नहीं। हाँ ये बिल्कुल अपने अपनी साइड से गई है चैन। अब खाली हमें इसको लॉक लगाना है। ये देखिए लॉक मैं कैसे लगाऊंगा, लॉक देखिएगा आप ये कैसे लगाना है क्या है। अब मैं खाली इसका ये वाला लॉक लॉक का एक हिस्सा लगाऊंगा इसमें। ये देखिए कैसे हम लॉक घुसाएंगे इसमें, ये देखिए लॉक हमने लगा दिया है। अब हम फिर से इसको यहाँ पे लाएंगे, ये देखिए कैसे हम इसको यहाँ पे लाएंगे, इधर से दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे ला दिया है। अब फिर से हम एलन की लगाएंगे इसमें और निकालेंगे इसको बाहर। अब हम फिर से लॉक को बाहर निकालेंगे और ये हमें हमने उल्टी साइड में डाला था, अब हम इसको अंदर वाली साइड में डालेंगे। ये देखिए अब हम इसको लॉक करेंगे अच्छे से। ये देखिए आप, ये देखिए लॉक बंद हो चुका है बस। ये देखिए अब हम इसको पहले श्लेग लगाएंगे और इसको लगाएंगे वापस हम। अब हम आगे आगे वाला कप लगाएंगे, इसके बाद हम पीछे वाला कप लगाएंगे और यहाँ पे भी अच्छे से इसको साफ करें। अब इसके तीन एलन की बोल्ट हैं वो उठाएंगे पहले। अब हम ये वाला कप लगाएंगे एल सेट वाला कप, ये देखिए इसको कैसे लगाना है। इसके 10 नंबर के बोल्ट 4 रहते हैं, इनको टाइट करते हैं पहले। तो ये था पूरा प्रोसेस, देख लिया आपने कल चैन हमने कैसे निकाली, उसके बाद कैसे लगाई हमने, पूरा आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।